नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एक्ट प्रोटेक्ट में। दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं और अगर आप टीवी पर दिखाए गए या किसी वेबसाइट पर दिए गए ट्रेड रिकमेंडेशन को देख के अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, तो सपोज़ कीजिए कि छः ट्रेड आपके पास है जो कि टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद, अच्छे एक्सपर्ट के द्वारा एनालिसिस करने के बाद आपको अगर ये ट्रेड रिकमेंडेशन दिया जाता है, तो आप इसमें से कौन सा ट्रेड रिकमेंडेशन को आप एक्सेप्ट करेंगे, किसे रिजेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, मैंने ये इसलिए पूछा था कि मैक्सिमम लोग जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं उन्हें तो पता होता है कि कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे रिजेक्ट करना है, लेकिन ऐसा देखा गया कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो कि टीवी पर देख के या वेबसाइट पर देख करके उनके जो रिकमेंडेशन को फॉलो करके जो ट्रेडिंग करते हैं, उसमें अधिकांशतः लोग 90% लोग लॉस में ही रहते हैं। और फिर बाद में वो ये ब्लेम करते हैं कि जो टीवी पर दिखाया गया है, जो वेबसाइट पर दिया गया है, वो ट्रेड रिकमेंडेशन सही नहीं होता है। तो ऐसी बात नहीं है, जो टीवी पर दिया जाता है, जो अच्छे एक्सपर्ट एनालिस्ट होते हैं, वो टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद बताते हैं कि कौन सा स्टॉक में हमें क्या करना है, करंट प्राइस पे अगर बाय करना है या सेल करना है, अगर बाय करना है तो उसका टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, वो बहुत ही अच्छे तरह से चार्ट को एनालिस करने के बाद ही बताते हैं। फिर एंड ऑफ द डे लोगों को लॉस क्यों होता है, तो इसका पीछे का कारण आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप सारे ट्रेड रिकमेंडेशन को आँख बंद करके आप ट्रेड करते हैं तो आपको एंड ऑफ डे में आपको लॉस ही होता है। तो आपको जो टीवी पे या वेबसाइट पे जो ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाते हैं, उससे उसके पीछे आपको थोड़ा सा होमवर्क करने की ज़रूरत है। आपको उसमें थोड़ा देखना है कि इसमें से कौन सा ट्रेड रिकमेंडेशन आपको सेलेक्ट करना है और कौन सा रिजेक्ट करना है, क्यों सेलेक्ट करना है, क्यों रिजेक्ट करना है। तो चलिए आज हम इसकी बात कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा सपोर्ट है। नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। जो पिछले वीडियो में हमने आपसे ये छः रिकमेंडेशन के बारे में डिस्कस किया था, ये रिकमेंडेशन है जो कि कुछ दिन पहले की है, इसे आज इसे ट्रेड ना करें। ये निफ्टी का ट्रेड रिकमेंडेशन तब दिया गया था जब इसका करंट मार्केट प्राइस था 11,458 और उस समय से टारगेट दिया गया था 11,500, स्टॉप लॉस 11,370 बाय रिकमेंडेशन था। इसी तरह से उन्होंने निफ्टी बैंक का बाय रिकमेंडेशन दिया था, NBCC का बाय रिकमेंडेशन था, इंजीनियर्स इंडिया का बाय रिकमेंडेशन था और RBL बैंक का सेल रिकमेंडेशन था, यहाँ डावा का बाय रिकमेंडेशन था। तो अब इसमें से सारे ये ट्रेड रिकमेंडेशन को आपको आँख बंद करके एक्सेप्ट नहीं करना है, सारे पर ट्रेड नहीं करना है, आपको थोड़ा सा होमवर्क करना है। होमवर्क क्या करना है वो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। जैसे आप इसको फर्स्ट ट्रेड को अगर देखते हैं, फर्स्ट ट्रेड रिकमेंडेशन को, तो आप ये देखिए कि अगर इसका स्टॉप लॉस हिट होता है तो इसमें आपको कितना रिस्क है, कितना लॉस होता है। अगर इसका टारगेट अचीव होता है तो इसमें आपको कितना प्रॉफिट होता है, कितना अर्निंग होता है। तो इसको देखने के लिए हम इसको थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अगर हम इस करंट प्राइस पर इसको बाई करते हैं, करंट प्राइस पर बाई करने के बाद अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो इसका डिफरेंस क्या है, वो रिस्क क्या है, 88 पॉइंट्स का है। और अगर इसका टारगेट अचीव होता है तो आपको जो अर्निंग होगा, रिवार्ड्स होगा, वो होगा 42 पॉइंट्स का। तो अगर इन दोनों का रेशियो देखें, रिस्क एंड रिवार्ड का, तो यहाँ रेशियो में रिस्क ज़्यादा है और रेशियो कम है, ये लगभग 2:1 का है। इसी तरह से हम अगर दूसरे ट्रेड का देखें, इसमें देखें रिस्क है 368 पॉइंट का, रिवार्ड्स है 232 पॉइंट का, तो इसका जो रेशियो बनता है 1.6:1 का। मतलब अगर इसमें स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको रिस्क ज़्यादा होता है। तो इसी तरह से अगर आप NVCC का देखें तो यहाँ पे जो करंट मार्केट प्राइस दिया हुआ है 68, वहाँ से स्टॉप लॉस देखें तो सिर्फ 3 रुपये का डिफरेंस है। और अगर इसका टारगेट देखें तो टारगेट 7 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो यहाँ जो इसका रेशियो बनता है रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो, ये है 1:2.3 का। तो यहाँ पे जो रेशियो बन रहा है 1:2.3 का है। यहाँ पे अगर टारगेट अचीव होता है तो प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिलेगा और अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो रिस्क कम है। तो इसी तरह से हम देखते हैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का, तो इसका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है 1:1 का है, दोनों साइड 1 है। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो भी आपका 4 पॉइंट है और अगर टारगेट अचीव होता है तो भी 4 पॉइंट है। इसी तरह से RBL का है, तो RBL का रिस्क 11, रिवार्ड्स है 9, रेशियो है 1.2:1। अगर डावर का देखें तो डावर का रिस्क है 5, रिवार्ड है 10, इसका रेशियो है 1:2। तो अब ऐसे में इतना सारा हम कैलकुलेशन करने के बाद, अब इसमें ये होमवर्क करने के बाद, इतने सारे कैलकुलेशन करने के बाद, अब हम इसे देखेंगे इसमें सेलेक्ट कौन सा करना है। तो इसमें अगर मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूँ तो इस फर्स्ट रिकमेंडेशन को मैं रिजेक्ट करता हूँ, सेकंड को भी रिजेक्ट करूँगा, थर्ड को मैं एक्सेप्ट करूँगा, फोर्थ को मैं रिजेक्ट करूँगा, फिफ्थ को मैं रिजेक्ट करूँगा, सिक्स को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ।
अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसे इस चार को रिजेक्ट कर रहा हूँ, दो को एक्सेप्ट कर रहा हूँ क्यों, तो चलिए इस पर आगे डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपका पॉलिसी क्या होना चाहिए, आपका होमवर्क क्या होना चाहिए कि जब आप इसमें रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो ये जो रेशियो होगा वो 1:2 का होना चाहिए, या फिर रिस्क डिवाइड बाई रिवार्ड करते हैं जिसे बोलते हैं रिस्क टू रिवार्ड, तो ये होना चाहिए 0.5 से कम। तो अब यहाँ पे मैंने पहले दिखाया था यहाँ रिस्क रेशियो है 2:1, रिस्क ज़्यादा है रिवार्ड कम है, जबकि इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सबसे अच्छा होता है 1:2 का। अगर 1:3 मिले तो और भी अच्छा है, लेकिन 1:3 मिलना कम होता है, तो यहाँ पे एटलीस्ट 1:2 का होना चाहिए। अगर रिस्क 1 है तो रिवार्ड उसका डबल होना चाहिए, या फिर उसको आप डिवाइड करें तो 0.5 से कम होना चाहिए। तो इसलिए और इसका फायदा ये है कि अगर आपने 3 ट्रेड सेलेक्ट किया, सपोज 6 से 3 ट्रेड सेलेक्ट किया, आप जब भी ट्रेड सेलेक्ट करेंगे तो इक्वल मार्जिन का सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम इंजीनियर्स इंडिया का 1 लॉट लेते हैं जिसका प्राइस 138 है, और अगर इन्वेस्टिशन का ले रहे हैं तो इन्वेस्टिशन उसका प्राइस उसका हाफ है, 68 रुपीज़ है, तो यहाँ इन्वेस्टिशन का आपको 2 लॉट लेना होगा, तभी दोनों में इक्वल मार्जिन होगा। तो आपको जब भी ट्रेड सेलेक्ट करना है, अगर 2 सेलेक्ट करते हैं, 3 सेलेक्ट करते हैं, 5 करते हैं, 6 करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए इक्वल मार्जिन का, उसके हिसाब से आपको लॉट सेलेक्शन करना है, 1 लॉट चाहिए, 2 लॉट चाहिए, जितना है। इस केस में क्या होता है, आप इक्वल मार्जिन का अगर लॉट 3 लॉट सेलेक्ट करते हैं, इसमें से अगर दो ट्रेड आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और सिर्फ एक टारगेट अचीव करता है, तो भी आप लॉस में नहीं रहेंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, कि अगर 3 ट्रेड से अगर 2 ट्रेड में भी लॉस होता है, 1 ट्रेड में आपको टारगेट अचीव होता है, तो भी आप लॉस में नहीं रहेंगे, क्योंकि एक जो टारगेट अचीव हो रहा है इसमें 2 पॉइंट हो रहा है, और इसमें जो लॉस हो रहा है 1.1 पॉइंट दोनों मिलाकर 2 पॉइंट हो रहा है, तो इसमें आपको लॉस नहीं होगा। और अगर 3 ट्रेड में से 2 ट्रेड अगर टारगेट अचीव किया तो आप प्रॉफिट में रहेंगे, मतलब 1/3 आपका जो लॉस है वो 1/3 हो जाता है। सपोज कि आप 6 ट्रेड ले रहे हैं, तो 6 में से अगर आपका 2 भी सक्सेस हो गया, 4 अगर अनसक्सेस हुआ, 4 स्टॉप लॉस हिट किया, तो भी आपको एटलीस्ट लॉस नहीं होगा, और अगर 2 से ज़्यादा अगर टारगेट अचीव किया तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो करते क्या है लोग मिस्टेक, कि ये कैलकुलेशन नहीं करते हैं, सभी पे आँख बंद करके सभी ट्रेड रिकमेंडेशन पे ट्रेड करते हैं, और एंड ऑफ द डे वो लॉस में होते हैं। अब यहाँ पे एक देखिए, मैं कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ जो किसी अच्छे वेबसाइट से मैंने कॉपी किया है। तो यहाँ पे एक ट्रेड रिकमेंडेशन दिया गया NTPC लिमिटेड का, उन्होंने बाय का रेंज दिया 173 to 175। अगर मैं इसका बीच का ले लूँ, 174 का अगर ले लूँ, कि अगर 174 पे मैं बाय करता हूँ, और टारगेट 180 का, स्टॉप लॉस 169 का, तो यहाँ पे रिस्क क्या होगा, रिस्क होगा 4 पॉइंट का, रिवार्ड होगा 6 पॉइंट का, तो रेशियो क्या होगा 1:1.5। अगर लॉस होता है 1 तो रिवार्ड है 1.5, तो इसे भी हम रिजेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक लूपिन पे दिया गया है जय ठक्कर के द्वारा, तो उन्होंने टारगेट प्राइस दिया था 990 का, जब उसका मार्केट प्राइस था 956 का, और स्टॉप लॉस उन्होंने दिया 949 का। तो अगर यहाँ रेशियो निकालते हैं तो रिस्क है 7 पॉइंट का, रिवार्ड है 34 पॉइंट का, तो यहाँ जो रिस्क होता है 1:5 का है। अगर लॉस 1 है तो रिवार्ड अगर मिलता है तो 5 मिलता है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैंने आपको पहले भी कहा कि रेशियो 1:2 से ऊपर होना चाहिए, 1:2 हो, 1:3 हो तो और भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो दिया 1:5 का है। अब यहाँ देखिए, मैं कुछ और भी अच्छे वेबसाइट से मैंने कुछ ट्रेड रिकमेंडेशन कॉपी किया है जो कि कुछ दिन पहले का है। उन्होंने यहाँ स्टेट बैंक का दिया, ब्रिटानिया जी इंटरटेनमेंट का, तो अब यहाँ स्टेट बैंक का उन्होंने दिया है कि जब स्टेट बैंक का करंट मार्केट प्राइस 289 था, तो उन्होंने टारगेट प्राइस दिया 296 का, स्टॉप लॉस दिया 286 का, तो इसमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर जब रिस्क को डिवाइड करेंगे रिवार्ड से, तो यहाँ आता है 0.4। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर 0.5 से कम हो तो आपके लिए ये अच्छा है, रिस्क कम है तो ज़्यादा अच्छा है, तो आप इसे क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करना होगा, इस ट्रेड को आप कर सकते हैं, एक्सेप्ट कीजिए, इस पर ट्रेड कीजिए। अब नेक्स्ट है ब्रिटानिया का, इस पर जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो आता है 0.6 का, जो कि मेरा बताया हुआ 0.5 से ज़्यादा है, तो इसे हम रिजेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है इसका रेशियो 0.8 है, तो इसे भी रिजेक्ट करेंगे। अगर इस उन्होंने ऑप्शन कर दिया है, एक्चुअली ऑप्शन में अगर जब ट्रेड करते हैं ना, तो ऑप्शन में एक्चुअली होना चाहिए रेशियो 1:3 का, स्टॉक के लिए 1:2 होना चाहिए, लेकिन अगर ऑप्शन में कर रहे हैं तो ज़्यादा रिस्की होता है, इसलिए उसमें 1:3 का मिले तो करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे 1:2 का ही बात कर रहा हूँ। तो अगर इसके हिसाब से भी देखा जाए तो इसका जो रिस्क रिवार्ड है वो 1.2 का, जो कि बहुत ज़्यादा है, इसे भी
इसे भी हम लोग रिजेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है 0.6 का, इसे भी रिजेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है 1.0 का, इसे भी रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि ये सभी 0.5 से ज़्यादा है। चलिए कुछ और देख लेते हैं जो कि टीवी पर दिया हुआ है, टीवी से कॉपी किया हुआ, अच्छे बिजनेस चैनल से कॉपी किया हुआ है। तो यहाँ पे जो उन्होंने पहले दिया है रिलायंस इंफ्रा का, इसमें अगर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो देखें तो 2:1 का है। इसमें रिस्क ज़्यादा है, रिवार्ड कम है, तो इसे हमें क्या करना होगा, रिजेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर TCS का देखते हैं। TCS का जो रिस्क है वो 25 पॉइंट का, रिवार्ड 42 पॉइंट का, रेशियो कितना है 1:1.7 का, जबकि होना चाहिए था मिनिमम 1:2 का। अब यहाँ पर बायोकॉन का देखें तो यहाँ पर इसका रिस्क है 24, रिवार्ड है 25, ये लगभग 1:1 का है, जो कि कम है। अगर आप यहाँ पर है सेल का रिकमेंडेशन दिया गया, अगर सेल में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर रिस्क 8 का है, जो स्टॉप लॉस है देखें 8 है, रिवार्ड 16 है, रेशियो कितना है 1:2 का, ये सही है, इसे हमें एक्सेप्ट करना होगा, इस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ITC का है, ITC का टारगेट है 314 का, स्टॉप लॉस 300 का, इसका करंट मार्केट प्राइस है 304 का, तो इसका रिस्क है 4, रिवार्ड है 10, और तो इसका रेशियो बनता है 1:2.5, 1:2 से ज़्यादा है, तो ये अच्छा ट्रेड है, इस पर हम ट्रेड कर सकते हैं, ये अच्छा ट्रेड रिकमेंडेशन है, इस पर हम ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए SBI का, तो SBI का जो रिस्क है वो 5 है, रिवार्ड 11 है, तो यहाँ पर जो रेशियो है 1:2.2 का, यहाँ भी 1:2 से ज़्यादा है, तो इस ट्रेड रिकमेंडेशन को भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं, इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, इस पर ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो सिलेक्शन होगा, ये हमारा सिलेक्शन होगा, ये भी हमारा सिलेक्शन होगा, क्योंकि सभी 1:2 से ज़्यादा है, ये हम रिजेक्ट करेंगे, ये हमें रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि ये 1:2 से कम। दोस्तों जो लोग खुद एनालिसिस करते हैं, जो इंट्राडे के ट्रेडर्स हैं, एक्सपर्ट हैं, उन्हें तो पता है ये रिस्क रिवार्ड रेशियो, लेकिन जो लोग छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो टीवी पर देख के, वेबसाइट पर देख के, उनके ट्रेड रिकमेंडेशन पे ट्रेडिंग करते हैं, तो मोस्टली उसमें 95% लोग ये गलती करते हैं कि सारे ट्रेड रिकमेंडेशन पे ट्रेड करते हैं और एंड ऑफ द डे वो लॉस में रहते हैं। तो अगर आप दूसरे का ट्रेड रिकमेंडेशन देख कर कर रहे हैं, तो पहले तो आप देखिए जो ट्रेड रिकमेंडेशन दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है। अगर अच्छे एनालिस्ट के द्वारा दिया गया है तो अच्छी बात है, उसके बाद भी उसमें आपको थोड़ा सा होमवर्क करना है, उसमें थोड़ा देखना है कि उसका रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है, वो 0.5 से कम होना चाहिए। उसका जो स्टॉपलेस पॉइंट होता है, जनरली अगर 100 रुपीज़ का शेयर्स है तो उसका स्टॉपलेस पॉइंट होना चाहिए 10 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 200 का स्टॉक है तो 20 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ये कि जो स्टॉक प्राइस है उससे 10% से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस बहुत ही वाइड है या बहुत ही टाइट है तो भी आपको उसमें रिकमेंडेशन को आपको फॉलो नहीं करना है। और ये कुछ टिप्स है जो कि हर बार लोग टिप्स देते हैं, बताते हैं कि आप जो भी स्टॉप लॉस सेलेक्ट करते हैं उस पर आप स्टिक रहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो हमें रिकमेंडेशन दिया जाता है वो किसी न्यूज़ के बेसिस पर दिया जाता है, कुछ अच्छे न्यूज होते हैं तो उसे बोलते हैं इसे खरीद लीजिए, और कुछ बुरे न्यूज होते हैं उसे बोलते हैं बेच दीजिए। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि अच्छे न्यूज होने के बाद भी वो शेयर्स उल्टा जाता है, लोग प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करते हैं। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं उसी दिन का इंतजार करते हैं कि कोई बड़े अच्छे न्यूज आए और उस दिन वो अपना प्रॉफिट बुक करें। इसलिए आप ये नहीं कर सकते कि कोई अच्छे एनालिस्ट हैं, अच्छे एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ट्रेड रिकमेंडेशन दिया है तो उसका ट्रेड रिकमेंडेशन सही ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है उस दिन कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लें, या उस दिन अगर बहुत नीचे गिरता है तो कुछ लोग बाई करना स्टार्ट कर दें। तो आपको जो भी स्टॉप लॉस है उस पर पूरा स्टिक रहना है। और आपको सेकंड टिप्स ये है कि आप कोई इमोशनल स्टॉप लॉस ना लगाएं। कुछ लोग होते हैं कि जो करंट प्राइस है उससे 5 रुपये नीचे या 10 रुपये नीचे एक स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, तो आपको ये नहीं करना। आपको जो भी स्टॉप लॉस होगा वो चार्ट में टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही होना चाहिए। एक बात और यहाँ कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो सोचते हैं कि शायद स्टॉक का उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम उसमें उल्टा ट्रेड करते हैं। अगर पहले उन्होंने बाई कर रखा था और स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उसके बाद वो सेल करते हैं, अगर पहले सेल किया है तो फिर वो उल्टा कर देते हैं, उसे बाई रिकमेंडेशन बना देते हैं। तो ऐसा ना करें। किसी एक स्टॉक में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो उस दिन उसी स्टॉक में दोबारा कोई ट्रेड ना लें। तो ये कुछ ऐसे ये टिप्स है जो कि आपको करना चाहिए अगर इंट्राडे ट्रेड करते हैं। लेकिन भूल कर भी ये बिना रिस्क रिवार्ड रेशियो को देखे आप किसी भी ट्रेड रिकमेंडेशन को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको लॉस कम होगा और आपका इंट्राडे में प्रॉफिट अच्छा बनेगा, और खासकर अभी जब मार्केट वोलेटाइल हो तो उसमें इंट्राडे में ट्रेड में रिकमेंडेशन ज़्यादा आते हैं और लोग पैसे भी बनाते हैं।
लेकिन आपको इसके पहले आपको रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो को ध्यान रखना है। दोस्तों अभी आपने देखा है कि शेयर मार्केट बहुत ही वोलेटाइल हो गया, बहुत सारे शेयर्स हैं जो कि नीचे गिरे हुए हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो नीचे चले गए हैं, और जितने भी एक्सपर्ट हैं वो यही बोल रहे हैं कि अगर आपके पोर्टफोलियो में क्वालिटी स्टॉक्स है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये पूछ रहे हैं कि इस समय कौन से क्वालिटी स्टॉक्स है जिसमें कि हमें पैसे लगाना चाहिए, इस गिरावट में पैसे लगाना चाहिए, कौन कौन से क्वालिटी स्टॉक्स है। तो दोस्तों आप कमेंट में लिख के आप अपना सुझाव दीजिए कि आपके अनुसार इस समय कौन से क्वालिटी स्टॉक्स है जो आपको लगता है कि अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं और उसे अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। तो चलिए कमेंट में लिख के बताइए, इससे दूसरे को भी फायदा होगा, और अगर अच्छा लगा तो हम अगले वीडियो में से इसका डिस्कस भी करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मेरा अगला वीडियो आपको इमीडिएटली मिले तो आप नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।